बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आज सुनिए। बरमूडा ट्रायंगल की, जिसको शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है, ये शैतानी ट्रायंगल की कहानी बीते कई सालों से सुनने को मिलने आ रही है। बरमूडा ट्रायंगल से जाने वाले एक भी हवाई जहाज या फिर शिप्स कभी वापस लौट कर नहीं आए। बरमूडा ट्रायंगल आज के युग का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है, और इस डेविड ट्रायंगल की लोकेशन बरमूडा द्वीप से मियामी यूएसए एंड पेटोरिक तक नॉर्थ एटलांटिक महासागर में है। बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक रिपोर्ट में आया है कि हर साल 4 हवाई जहाज एंड 20 समुद्री जहाज यहाँ से लापता हो जाते हैं। तो इस बरमूडा ट्रायंगल के पीछे का रहस्य क्या है और ये सब घटना क्यों हो रही है, तो उठाते हैं बरमूडा ट्रायंगल के राज से पर्दा। साइंस की एक चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर एक रिपोर्ट दिखाया गया था और दावा किया गया था कि इस मिस्ट्री का मेन फैक्टर बादल है। ऐसे वैसे बादल नहीं है ये, इनका नाम भी है हेक्सागोनल क्लाउड्स। ये जो हेक्सागोनल क्लाउड्स है उनकी पावर का एक अंदाजा लगाए तो ये एक हवा में उड़ने वाला बम है। और हाँ, इनकी स्पीड 170 माइल पर आवर है। ये बादल और हवा दोनों साथ में मिलकर पानी और हवा में जो हवाई जहाज आते हैं उनसे टकराते हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर एक बम हवाई जहाज से टकराए तो हवाई जहाज कैसे वापस आ सकता है, और ये बादल बनते कैसे हैं वो भी एक सवाल है। इसका जवाब भी है, सुपर फास्ट हवा जो होती है वो इन बादलों को जन्म देती है। ये बादल दिखने में तो बहुत अजीब किस्म के होते हैं, और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। तो 500,000 स्क्वायर फीट में फैले हुए बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।